लखनऊ में आज वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर विद्या विंदु सिंह की ओर से श्रीकृष्ण प्रताप सिंह स्मृति अध्यात्म चिंतन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसके तहत आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में राजनीति और अध्यात्म विषय पर वक्ताओं ने बात रखी। साथ ही विद्युत जन का सम्मान समारोह भी हुआ। शिव सिंह सरोज स्मृति सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शुक्ल को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान डॉक्टर महेश्वर मिश्र और कृष्ण प्रताप सिंह के स्मृति सम्मान अरविंद चतुर्वेदी को दिया गया। वहीं प्राण देवी स्मृति सम्मान ललिता पांडे को दिया गया। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में भी सम्मान दिए गए। आयोजन में पद्मश्री मालिनी अवस्थी और मंत्री महेंद्र सिंह समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। आयोजन के दौरान बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी लोगों ने खूब सराहा। अपने पति के स्मृति में उनके जयंती पर्व पर करती हूँ और एक व्याख्यान माला अध्यात्म चिंतन से जुड़ी उस पर प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम होता है और विभिन्न क्षेत्र की विभूतियों को हमारे पूर्वजों और गुरुजनों की स्मृति में सम्मानित किया जाता है। प्रतिवर्ष हम लोगों को 10 जुलाई का इंतजार रहता है क्योंकि इस दिन न सिर्फ विद्वानों का समागम होता है, उनसे भेंट होती है, बहुत अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं, बहुत सुंदर बीज वक्तव्य सुनने को मिलते हैं। विद्या जी उन दुर्लभ लोगों में से हैं जो चरैवती की तरह से असंपृक्त निस्वार्थ साहित्य रचना कर रही हैं। प्रतिवर्ष कहती है अब नहीं कर पाऊंगी, अब छोड़ दूंगी, और फिर उनके संग मुझे लगता है वो इतना सबको प्रेम देती हैं कि साहित्य संस्कृति से जुड़े सब लोग खड़े हो जाते हैं और एक सुंदर आयोजन रच जाता है। कहना चाहिए एकला चलो रे की तरह उन्होंने इतने लोगों को जुटाया, इतने लोगों को सम्मान के लिए बुलाया। ऐसे जो आयोजन होते हैं वो समाज का प्राण होते हैं और लोगों को ये लगता है कि जिनका सम्मान होता है उन्हें ये लगता है कि उन्हें किसी ने याद किया और जो लोग आते हैं उनको कुछ सीखने को मिलता है।